और बड़ी अफसोस की बात है वहां पर जिस तरह का अवसर वहां पर किट हुआ था जीडन ब्रदर्स पाकु टीम की तरफ से और दो तीन आक्रमक वहां पर बनाया था जो कि गोल दागने जैसा लेकिन सही फिनिशिंग शॉट वहां पर नहीं कर बैठे और हमें तो लग रहा है कि इस मुकाबला में कभी ना कभी यहां पर गोल आएगा और वैसे भी जीदन बदर पाकुड़ की तरफ से दो तीन आक्रमक और थोड़ी सी दबाव में है धरती बगैर साहब की टीम इस फर्स्ट हाफ के मुकाबला में और अभी तक धरती बगैर साहबगंज टीम ने एक भी मौका नहीं बनाया है इस फर्स्ट हाफ के मुकाबला में और देखना होगा इस आज दिन का ये दूसरा मैच में गोल देखने का सौभाग्य क्या हमें प्राप्त होगा क्योंकि इससे पहले का मुकाबला बिना गोल के साथ संपन्न हुआ था और इस ब्रहागढ़ फुटबॉल चैंपियनशिप में अभी तक उद्घाटन गोल का रिकॉर्ड कोई भी टीम यहां पर नहीं बनाया है यहां से देखना होगा ये काउंटर में जाएंगे वहां पर क्या आएगा गोल लेकिन गोलकीपर को मरना पड़ेगा मरोदा कमाल का गोलकीपर वहां पर गेंद को भाग चुका था कि गेंद यहां पर आएगी और वहां पर उन्होंने किसी तरह से गेंद को गोल होने से बचाया है एकदम तिही को पास नेता की तक एकदम नुकुट टीमा मिथापु में जीवन ब्रदर्स पाकुंग का कपाल तिमियो नेता को कारण को देखो कर ले हमें पहली दिन में चीज जरूरत है कहा कोई के पास नहीं है तो बोल रहा था हम जैसे अगर फर्स्ट हाफ में ही गोलकीपर के आजू बाजू अगर देख करते तो बहुत ही क्लीन गोल डाल सकते थे वहां पर तो वही एक वैसा अवसर जो कि बार बार गवा रहे हैं ये ब्रदर पाकुड़ की टीम अब देखना होगा धरती बगैर साहबगंज टीम जो कि इस फर्स्ट हाफ के बीच में काफी दबाव में ये मुकाबला कर रहा है और इस टीम पर भी वो काबिलियत है इस टीम में भी वो एक खासियत है और देखना होगा धरती बगैर साहबगंज टीम का जो खेलने का जो अंदाज है कितने समय के बाद उनका बदलेगा और यहाँ तक फर्स्ट हाफ के मुकाबला में अभी तक उनका तालमेल उतना सटीक नहीं हुआ है और हमें जहां तक लग रहा है कि समय के साथ साथ धरती बगैर साहबगंज टीम में भी अच्छा खेल हमें देखने को मिलेगा जहां तक इस टीम से मेरा यही उम्मीद है और चूंकि इस टीम से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का यहां पर सिलेक्शन किया गया है और पासिंग बहुत ही अच्छा था लेकिन इस प्लेस में खिलाड़ी के अभाव ये संभावना था वहां पर लेकिन आखिरी वक्त में रक्षा पंती बहुत ही मजबूत तरीके से वहां पर गेंद को इंटरसेप्ट किया है अब हमें लग रहा है धरती बगैर साहबगंज टीम थोड़ा सा अच्छा लय में आता हुआ इस मुकाबला में लेकिन तीन नंबर परोंगी बा परो चूरी हो सूरज हंसता पट्टी कहते हैं ऐसे इंडिया सुने कथा मिले विजय एमएम रोड जी का कथा धरती बगैर से कौन एक से बढ़कर एक खिलाड़ी बना हुआ पहल का मचाने वाले खिलाड़ी अजय किसको अजीत हंसता बच्चू कायम खाना का क्या करना आया कमी बखूबी अगर उनको टीम से रहो क्षमता बिना लेकिन लच्छू के द्वारा वहाँ इस हुई करा खिलाड़ी गलत तरीका से इस्तेमाल के लिए क्रिकेट में भी अवसर दिया सही कथा कर गया पांच नंबर प्रकाश किसको वोट दी मुझे एक बार मुकेश वोट दी मतलब ताई वोट दी से या कोने के लिए बदल चुके साथ साथ में और जिस तरह से जीदन ब्रदर पाकुड़ की टीम लगातार आक्रमण कर रहे हैं और यही सिलसिला अगर चलता रहेगा तो धरती बगैर साहबगंज के लिए ये बहुत ही एक बड़ा उनके ऊपर नुकसान साबित हो सकता है लेकिन अभी तक दोनों टीमों का परिणाम यहाँ पर आया नहीं है और वैसे भी इस मुकाबला में बहुत ही कम अंक धरती बगैर साहबगंज टीम ने बनाया है और अधिकतर बॉल की पोजीशन को अगर देखा जाए इस मुकाबला में अधिकतर ब्रदर पाकुड़ टीम के पक्ष में रहता है और क्या कुछ
कलर के रहती मगर साथ टीम में इस टीम में भी काबिलियत है, बस अपने तालमेल की अभाव यहाँ पर देखने को मिला है। जबकि इस खेल के बाद जो आज दिन का जो थर्ड मुकाबला होना है, जहाँ बैटर बरहेट था वहां पर चेंजेस आया है, बैटर बरहेट की जगह में एफसी बांका बिहार टीम को आप देखेंगे। तो इनके बाद जो मुकाबला होना है आज दिन का थर्ड मैच, टूर्नामेंट ऑफ द थर्ड मुकाबला एफसी बांका बिहार और एफसी अयोध्या तीन पहाड़ के बीच, तीसरा मुकाबला के लिए दोनों टीम तैयार हो जाएंगे। वैसे भी इस वक्त ये सेकेंड मैच का ये फर्स्ट हाफ चल रहा है, दोनों टीम का परिणाम धरती बगान साहब के में ये सही बात है। और ढेर मुझे लग रहा है कि धरती बगान टीम भी अच्छा फॉर्म में ये टीम नजर आता होगा, और देखना होगा धरती बगान साहब का टीम यहाँ से यह चुंबरकार पहने हुए खिलाड़ी क्या गेंद के लेकर आगे जाएंगे, लेकिन वहां से गेंद को छीन लिया गया है। बड़ी बॉल का ये पासेस, लेकिन उस प्लेस में खिलाड़ी की अभाव, और दोनों ही टीम के पास अनुभव बहुत ही ज्यादा है। इनका लॉन्ग रेंज का पास अगर देखेंगे या वन टच पास, दोनों टीम का जो बॉल का जो सप्लाई करने का जो तरीका है, दोनों टीम बहुत भी जाता है। और देखना होगा, बरसात इस मुकाबला अभी तक गोल नहीं आया है, यहाँ से कौन सा टीम गोल डालते हैं। लेकिन यहाँ पर गेंद डिफ्लेक्ट हुई है, एक बार फिर से वहां पर खतरा के लिए से गेंद को बाहर निकालने में कामयाब बनते हुए धरती बगान की टीम। और अभी तक तालमेल उतना बेहतर धरती बगान टीम का देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो एडवांटेज जो लाभ ब्रदर पाकुड़ टीम को मिलना चाहिए अभी तक उनको भी नहीं मिला है, ये बड़ी क्वेश्चन की बात है। यहां से गेंद के लेकर जाएंगे धरती बगान टीम के लिए अच्छा मौका था जरूर, लेकिन इस जाकर जोन के खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे रह गए और उससे पहले गेंद गोलकीपर के सुरक्षित ग्लव्स में गेंद गई है। दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा लय में खेलते हुए, और धरती बगान साहबगंज टीम में यही एक खासियत मुझे अच्छा लगा है, ये टीम जिस तरह से ऑफ साइड का ये शॉट और इस तरह से इस मुकाबला का ये सबसे बेस्ट गोल धरती बगान साहब की टीम ने यहां पर गोल दाग दिया है, जर्सी नंबर 10 पहने हुए खिलाड़ी, और टूर्नामेंट ऑफ द ये बेस्ट गोल। अजीत इज द टीम कैप्टन है झुनूर की तरह, वाह बड़ी तेजी तगड़ा लेकिन रोमांच जीत है रोमांच हिजुआ लोगों को डायलॉग बढ़ाया था ना, कास्टिंग बढ़ाया था जीत को मेरा चलो मुद्दा रहे जुट गया हर बखा तो ये देखे दस नंबर अब तो जिदन ब्रदर पाकुड़ टीम को ये मजबूर उनको करना पड़ा है कि इस मुकाबला में कभी भी वो टीम बॉल दागेंगे नहीं तो ये टीम बाहर हो सकते हैं, लेकिन अभी भी समय है हर साहब का ये मुकाबला। और इस बढ़ागढ़ी फुटबॉल चैंपियनशिप में जो कि पहला गोल दागने का जो रिकॉर्ड बनाते हुए धरती बगान साहबगंज टीम के खुद टीम के कैप्टन है अजीत, और इनके नाम पर इस टूर्नामेंट में गोल दागने का रिकॉर्ड बना है।
अब तो देखना होगा ब्रदर पाको टीम, हर हाल में उनको गोल लगना होगा, तब जाके इस मुकाबला को वे लेवल कर पाएंगे। शॉट लिया गया पेनाल्टी बॉक्स के अंदर में, लेकिन इंटरसेप्शन बहुत ही बेहतर। एक बार फिर से खतरा आया में, दूर से ले वही, लेकिन थोड़ी सी ऑफ टारगेट में, और गेंद वन बाउंड होके गोल लाइन के बाहर निकल गई। अभी भी एक गोल का बढ़त है धरती बगान साहबगंज टीम के पक्ष में, और मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर पहला गोल ये टीम लागेंगे, क्योंकि बहुत ही कम मौका, आप समझ सकते हैं 2 या 3 बहुत ही कम मौका ये टीम बनाए थे, और जैसे अजीत को ओपन चांस मिला वो तीन खड़ा को वहां पर बीट गया, और फर्स्ट टाइम पर डायरेक्ट टॉप पर उन्होंने और शानदार गोल दागते हुए। इस टीम में यही खासियत हमें अच्छा लगा, लेकिन राजा रामदाय मैंने लिखा झुमूर से बीच में लिखा ना सामने को झुमूर ना झुमूर रहना गया बना रहना चलिए बना रहे झुमूर फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 इतिहास जुड़े बना लग एक 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 की बराबरी दिया सुनहरा अवसर बिना बेहतरी जोर में जमदा आई मां मौका को गवाओ कदा आई मां आसमान आसमान मौका को गवाओ कदा ना मुंह को जी बताया ना तो चंद का ही है लेकिन मना हुआ उनको सामने रे मिजन संता गोलकीपर परिमल सोहेल मजबूत मिला लेकिन उन्होंने झुमरा जर्सी नंबर 10 की गोल का नाम थे कोई अपोई दही पर अजीत टीम रन कैप्टन और उनका लिखा कि नोतेरी टीम रन कैप्टन कब हो हंसदा जर्सी नंबर 10 स्टीफन टुडू तेल बिल तैयार और ची झुमूर और पान झुमूर झुमूर बांगुर ओ हो तीनों बढ़िया सर तीनों शानदार सर काम कर करते सर खत्म की चिकाना हो चिता बच पता हो अब वो मुकाम कथान तिके टीम में लेते रहना फेंक पाना चाहे खान रत दिखने का बोल कते बाहर रागा इन्हों इन्हों अवसर वो जवाब अवसर ये तो पेनल्टी भी अवसर वहाँ हम बहुत गोल करेंगे और इस तरह से फर्स्ट हाफ का मैच समाप्त ठाकुर टीम के लिए वापसी आने के लिए ये चुनौती बढ़ती जाएगी। हेलो चूंकि समय में देख रहा हूँ कि जो मैच का रेगुलेशन टाइम है काफी हद तक निकल चुकी है, अब ये क्षण ये जो समय है मैच का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, एक एक सेकेंड एक एक मिनट इनको भाली भांति इनको सदुपयोग करनी होगी, अन्यथा मैच में वापसी आना इनके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से वो साइड है और भी मेरे खिड़की की लगे का अवसर प्राप्त करेंगे पाकुड़ की टीम नितो पाकुड़ टीम में प्लेयर्स जो तो को रखा चबा खेला ये ने कहा को जहां का कहते को ग्रुप में जहां का बीते बोल गोल बोल सोदारिया वहां को नंबर को येलो कार्ड में कच्चे गोल सोदा से बीते गोल के नुको लगी महंगा साबित हुआ प्रयास ये तो लेकिन उन्हें गोल कीपर स्टीफन को बांगड़े कर परिबोल सोरेन दिना मौज देखो एल वर्थ रे गोल स्टेप आउट की था दिलीप उन्हें अड़ी हुई है ये बाहर खाना लेकिन दिलीप का क्रूटो करना नहीं तभी होना है बंग सफल लड़ी का उन्हें खाई नहीं तो कॉर्नर उन्हें की कटी मचा पास सिबु लगी सिबु साहब क्रॉस है जुआ स्टीफन लगी अड़ी मुझे पास का तयम ले गया मैंने कहा उन्हें कोई बॉल आने से योगी उन्हें भाई जान लड़ी उनका नाम सबर है मुझे तो उत्तर है उन्हें कोई ना 15 नंबर राम राम टुडू राम से कोई होना पास में उन्हें कोई बांके धरी ना
ये देखिए इस मैच वहां पर रामचंद्र 12 नंबर क्या मैच को बराबरी करेंगे। वाह रामचंद्र हो अडी जस्ती पोस्ट जला रहे उन्हें गति किताब पहल पोस्ट से गति किताब ना बोल थोड़ा कर धेव मचाए गति लिखा है उन्होंने उन्हें रन सहयोगी प्लेयर्स को तहे कर दिया ना बोल कुछ जानना नहीं किया और जंगल दे जहां गए लेता जाओ कितना ना करने कर ये देखिए कन्हू हंसता टीम के कैप्टन टीम मुझे हेडिंग गोल की तरह नो मोज फिनिशिंग है ना अरे मैं मुझे वे करने को का रेगुलेशन टाइम करा रहा लगभग ना मुझे तो चरण रहे से करके ना अनुकान सब रे मीटे प्लेयर्स रे बदलाव ना तैयारी चला करना नोटे पाको टीम से कोई 11 आउट होनी जाएगा रे मीटे नवा प्लेयर से बोलो करना ग्राउंड रे 15 नंबर अनित तो नुई तो बुझा दा नुई तो पेनल्टी शॉट आउट लगी को अधर देखना ना स्पेशल पेनल्टी लगी नहीं दो प्लेयर्स कराए नहीं थे कोई हमें क्या बदलाव हुई करना हां धरती बगान टीम 5 आउट धरती बगान 5 आउट होने जाएगा रे मिटे नवा प्लेयर से बोलो 14 नंबर अनित तो तिना दुख बोलो ग्रैंड को दो पेनल्टी शॉट लगी स्पेशलिस्ट करना को जहां तक यहां मुझे उठना अनुमान तो बोलेगा तब ना कैप्टन यहां आके बोलना 15 करना 15 आउट 14 इन आनो देखो यार बेटे बदला हुआ पाको टीम से कोई मानित तो एकेन पेनल्टी शॉट और मार करना जानी पेनल्टी लगी चाहे तो स्पेशल कोई को गोल बनाए 5 नंबर नोते पे आउट पाको टीम से कोई 5 आउट पाको टीम 5 आउट सुसरा पे अर्जुन उड़ी जाएगा रे बेटे नवा प्लेयर से बोलवाना है चाहे तो 8 नंबर चलिए नीतो पाको टीम मोने थोड़ा कर संति बिचाव करना बराबरी करना इतने मुझे तो समय हम गोल गोल अपना तो उड़ील पुकार था करना आर बीच शॉट सीधे पोस्ट है ना बॉल पोस्ट की तरफ परम आर ये सांस होंगे तो कि मैच तो मुझे ना आर पाको टीम को बंदा आलेरन कैन गया चंदू बाबा दो इतने नुकसान समय हम गोल बना एकदम आखिरी समय रहे जहां तक इन बुझौदा 1 मिनट का यानी समय सरे का था ना 1.5 मिनट का समय है।